गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम आपकी बुक के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। प्रश्न एक, बच्चे मन के सच्चे कैसे होते हैं? हमारा उत्तर है, बच्चों के दिल में सबके लिए समान भाव होता है, इसलिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं। प्रश्न नंबर दो, हमारे माता पिता बंधु सखा कौन है? कौन है हमारे माता पिता बंधु सखा? ईश्वर। तो हम यहाँ कौन की जगह लिखेंगे? ईश्वर। हमारे माता पिता बंधु सखा ईश्वर है। प्रश्न नंबर तीन, दुनिया का दुख कैसे दूर हो सकता है? कैसे दुख हो सकता है दुनिया का दुख? ज्ञान का दीपक जलाने से। तो हम यहाँ लिखेंगे दुनिया का दुख और कैसे की जगह ज्ञान का दीपक जलाने से दूर हो सकता है। तो हम यहाँ कैसे की जगह लिखेंगे ज्ञान का दीपक जलाने से। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है? क्या नाम है आपके विद्यालय का? पंचशील अकादमी गरुड़। मेरे विद्यालय का नाम पंचशील अकादमी गरुड़ है। अगला, तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं? कितने कमरे हैं? 24। तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे विद्यालय में 24 कमरे हैं। प्रश्न नंबर तीन, तुम्हारे विद्यालय में प्रार्थना कहाँ होती है? कहाँ होती है हमारे विद्यालय में प्रार्थना? मैदान में। तो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ की जगह? मैदान में। मेरे विद्यालय में प्रार्थना मैदान में होती है। प्रश्न नंबर चार, क्या तुम्हारे विद्यालय में पुस्तकालय है? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ। आपके विद्यालय में पुस्तकालय है ना? तो हम लिखेंगे हाँ। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम बताओ। उत्तर, मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम श्री हुक्कुम सिंह राठौर है। अगला है हमारा, सचिन कौन है? तो हम यहाँ कौन की जगह लिखेंगे? मित्र। सचिन मित्र है। सचिन कौन है? सचिन मित्र है। सचिन कौन है? सचिन मित्र है। उसके पिताजी क्या करते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? उसके पिताजी डॉक्टर हैं। हम क्या की जगह क्या लिखेंगे? डॉक्टर। सचिन के पिताजी डॉक्टर हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके पिताजी डॉक्टर हैं। नंबर तीन, उसकी माताजी क्या करती हैं? तो हम यहाँ पर क्या की जगह लिखेंगे? अध्यापिका। उसकी माताजी अध्यापिका है। उसकी माताजी अध्यापिका है। प्रश्न नंबर चार, सचिन पढ़ाई में कैसा है? कैसा है सचिन पढ़ाई में? बहुत अच्छा। तो हम यहाँ कैसा की जगह लिखेंगे? बहुत अच्छा। सचिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, पार्क में कैसी हवा मिलती है? तो पार्क में ताज़ा हवा मिलती है। हम यहाँ कैसी की जगह लिखेंगे? ताज़ा। बाकी हमारा पूरा प्रश्न ही लिखेंगे हम। पार्क में ताज़ा हवा मिलती है। पार्क में कैसी हवा मिलती है? पार्क में ताज़ा हवा मिलती है। अगला प्रश्न, फिलिप कौन था? फिलिप मछुआरा था। फिलिप कौन था? फिलिप मछुआरा था। हम यहाँ हमने कौन की जगह लिखा है? मछुआरा। फिलिप दो दिन से भूखा क्यों था? क्यों था दो दिन से भूखा? क्योंकि उसे एक भी मछली नहीं मिली थी। तो फिलिप एक भी मछली नहीं मिलने से भूखा था। एक दिन फिलिप ने क्या निश्चय किया? फिलिप ने निश्चय किया कि आज वह मछली जरूर पकड़ेगा। प्रश्न नंबर चार, मछली की आंखों में आंसू क्यों थे? क्यों थे? क्योंकि वह जीवन दान चाहती थी। क्योंकि वह जीवन दान चाहती थी। जल देवता ने फिलिप को क्या दिया? क्या दिया था जल देवता ने फिलिप को? हीरा। तो हमारा उत्तर है, जल देवता ने फिलिप को हीरा दिया। यह हमने क्या की जगह क्या लिखा है? हीरा। जल देवता ने फिलिप को
हीरा दिया। जल देवता ने फिलिप को हीरा दिया। अगला प्रश्न है, नहर कहाँ थी? कहाँ थी नहर? जंगल में। नहर जंगल में थी। नहर कहाँ थी? नहर जंगल में थी। अगला प्रश्न, नहर के किनारे क्या उगी थी? क्या उगी थी नहर के किनारे? हरी हरी घास। हम लिखेंगे नहर के किनारे और क्या की जगह हरी हरी घास उगी थी। नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। अगला प्रश्न, नहर पर क्या गिरा पड़ा था? क्या गिरा था नहर पर? नहर पर पेड़ गिरा पड़ा था। क्या गिरा पड़ा था नहर पर? पेड़। यहाँ हमने क्या की जगह लिखा है? पेड़। नहर पर पेड़ गिरा पड़ा था। अगला प्रश्न, बकरियां कहाँ घास चरती थी? कहाँ घास चरती थी बकरियां? नहर के किनारे। तो हम उत्तर लिखेंगे, बकरियां नहर के किनारे घास चरती थी। बकरियां कहाँ घास चरती थी? बकरियां नहर के किनारे घास चरती थी। अगला प्रश्न, आरी और जारी ने पुल कैसे पार किया? आरी और जारी कौन थी? बकरियां। तो उन्होंने पुल कैसे पार किया था? तो हम लिखेंगे, आरी और जारी ने आपसी सहयोग से पुल पार किया। आरी और जारी ने आपसी सहयोग से पुल पार किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आरी और जारी ने आपसी सहयोग से पुल पार किया। प्रश्न, सिमरन ने अरुण को क्या दिखाया? सिमरन ने अरुण को क्या दिखाया? क्या दिखाया था सिमरन ने अरुण को? पतंग। तो हमारा उत्तर है, सिमरन ने अरुण को आकाश में उड़ती पतंगें दिखाई। सिमरन ने अरुण को आकाश में उड़ती पतंगें दिखाई। अगला प्रश्न, बच्चे घर से क्या क्या सामान लाए? क्या क्या सामान लाए थे बच्चे घर से? बच्चे घर से पतंग, मांझा और चरखी लाए। बच्चे घर से पतंग, मांझा और चरखी लाए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम बच्चे घर से पतंग, मांझा और चरखी लाए। अगला प्रश्न, चरखी किसने पकड़ी? किसने पकड़ी थी चरखी? इमरान। तो चरखी इमरान ने पकड़ी। चरखी किसने पकड़ी? चरखी इमरान ने पकड़ी। चरखी इमरान ने पकड़ी। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? क्या होता है रेलगाड़ी में सबसे आगे? इंजन। रेलगाड़ी में सबसे आगे इंजन होता है। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? रेलगाड़ी में सबसे आगे इंजन होता है। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? रेलगाड़ी में सबसे आगे इंजन होता है। डिब्बे कहाँ होते हैं? तो डिब्बे इंजन के पीछे होते हैं। डिब्बे कहाँ होते हैं? डिब्बे इंजन के पीछे होते हैं। डिब्बे कहाँ होते हैं? डिब्बे इंजन के पीछे होते हैं। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी कब रुक जाती है? तो रेलगाड़ी स्टेशन आने पर रुक जाती है। रेलगाड़ी कब रुक जाती है? रेलगाड़ी स्टेशन आने पर रुक जाती है। प्रश्न अगला, आजकल रेलगाड़ी किसके द्वारा चलाई जाती है? पानी से, हवा से या बिजली से या डीजल से? किससे चलाई जाती है रेलगाड़ी? आजकल रेलगाड़ी बिजली और डीजल से चलाई जाती है। आजकल रेलगाड़ी बिजली
और डीजल से चलाई जाती है। अगला प्रश्न, गोविंदन कैसा लड़का था? गोविंदन साहसी लड़का था। गोविंदन साहसी लड़का था। अगला प्रश्न है, गोविंदन ने क्या देखा? क्या देखा था गोविंदन ने? सामने से आती बस। तो हम उत्तर लिखेंगे, गोविंदन को सामने से बस आती दिखाई दी। गोविंदन ने क्या देखा? गोविंदन को सामने से बस आती दिखाई दी। बस देखकर गोविंदन ने क्या किया? गोविंदन हाथ ऊंचा कर चिल्लाने लगा। उत्तर गोविंदन हाथ ऊंचा कर चिल्लाने लगा। अगला प्रश्न है, ड्राइवर ने गोविंदन को क्यों डांटा? क्यों डांटा था उसने? क्योंकि वह सड़क के बीच में खड़ा था। ड्राइवर ने गोविंदन को क्यों डांटा? क्योंकि वह सड़क के बीच में खड़ा था। हमारा पांच रंगों के नाम लिखो। लाल, हरा, काला, पीला, नीला। कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, हरा, काला, पीला, नीला, इससे सफ़ेद, ये भी रंग होता है। हमने यहाँ पर पांच रंग लिखे हैं, इसके अलावा और भी रंग होते हैं, ठीक है? लाल, हरा, काला, पीला, नीला, आप कोई भी रंग लिख सकते हैं। शब्दों का सरल मिलान करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, हमको इनका मिलान करना है। नरम, तो नरम क्या होती है? घास। नरम घास। तंग पुल। हरी घास। एक पेड़। सरल काम। यहाँ आपका रिवीजन पूरा हुआ। आप इस रिवीजन को बार बार अच्छे से लर्न करिए और लिख लिख के याद करिए, ताकि आपकी मात्राओं की मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू।